हेलो नमस्ते, मैं हूं नेहा तिवारी और स्वागत है आपका द बिंज लिसनर्स में। और आज हम बात कर रहे हैं चाणक्य नीति के बारे में। चाणक्य नीति भारत के नालंदा विश्वविद्यालय के प्रख्यात शिक्षक, विश्व प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, कुशल रणनीतिकार और अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित एक महान ग्रंथ है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय था। चाणक्य नीति में कुल 17 अध्याय हैं। यहां हम प्रस्तुत करेंगे चाणक्य नीति के 5वें अध्याय को। चाणक्य नीति 5वां अध्याय। नंबर 1, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का गुरु अग्नि है तथा चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। स्त्रियों का गुरु पति है और अतिथि सबका गुरु है। नंबर 2, जिस प्रकार घिसने, काटने, आग में तापने और पीटने, इन चारों उपायों से सोने की परख की जाती है, वैसे ही त्याग, आचरण, गुण और कर्म, इन चारों से मनुष्य की पहचान होती है। नंबर 3, संकट प्रत्येक मनुष्य पर आते हैं, परंतु भय से तभी तक डरना चाहिए जब तक भय आए नहीं। आए हुए भय को देखकर निशंक होकर प्रहार करना चाहिए, अर्थात उस भय की परवाह नहीं करनी चाहिए। नंबर 4, एक ही माता के पेट से और एक ही नक्षत्र में जन्म लेने वाली संतान समान गुण और शील वाली नहीं होती। जैसे बेर के सभी फल और कांटे एक समान नहीं होते। नंबर 5, जिसका जिस वस्तु से लगाव नहीं है वह उस वस्तु का अधिकारी नहीं। जैसे कोई भी अधिकारी लोभ रहित नहीं होता, श्रृंगार प्रेमी से काम वासना की अधिकता होती ही है। जो व्यक्ति चतुर नहीं है वह मधुरभाषी भी नहीं हो सकता तथा साफ बात कहने वाला व्यक्ति कभी भी धोखेबाज नहीं होता। नंबर 6, मूर्ख लोग बुद्धिमानों से वैर भाव रखते हैं, निर्धन धनवानों को अपना शत्रु समझते हैं, वैश्याएं कुलीन स्त्री से द्वेष रखती हैं, बदसूरत खूबसूरत औरत से और विधवा सुहागिन से ईर्ष्या करती है। नंबर 7, आलस्य या अध्ययन न करने से विद्या नष्ट हो जाती है। दूसरे के पास जाने से स्त्री, बीज की कमी से खेती और सेनापति के न होने से सेना नष्ट हो जाती है। नंबर 8, विद्या की प्राप्ति निरंतर अभ्यास से आती है। सुशील स्वभाव से ही कुल का गौरव और यश होता है। श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान गुणों से होती है और क्रोध का पता आंखों से लगता है। नंबर 9, धर्म की रक्षा धन से, विद्या की रक्षा निरंतर साधना से, राजा की रक्षा मृदु स्वभाव से और एक दक्ष गृहिणी से घर की रक्षा होती है। नंबर 10, जो वैदिक ज्ञान की निंदा करते हैं, शास्त्रों के ज्ञान को व्यर्थ बताते हैं, शांतिपूर्ण स्वभाव के लोगों का मजाक उड़ाते हैं, वे व्यर्थ में ही दुखी होते हैं और बिना किसी आवश्यकता के दुख को प्राप्त होते हैं। नंबर 11, दरिद्रता का नाश दान से, दुर्गति का नाश शालीनता से, मूर्खता का नाश सद्बुद्धि से और भय का नाश अच्छी भावना से होता है। नंबर 12, काम वासना के समान कोई दूसरा रोग नहीं, मोह से बड़ा कोई शत्रु नहीं, क्रोध के समान अग्नि नहीं और ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं। नंबर 13, मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है और
अकेला ही मरता है, वह अकेला ही अपने अच्छे बुरे कर्मों को भोगता है और अकेला ही नरक में जाता है या परम पद को पाता है। नंबर 14, ब्रह्म ज्ञानियों की दृष्टि में स्वर्ग तिनके के समान है, शूर वीर की दृष्टि में जीवन तिनके के समान है, इंद्रजीत के लिए स्त्री का भोग तिनके के समान है, और जिसे किसी भी वस्तु की कामना नहीं है उसकी दृष्टि में यह सारा संसार तिनके के समान दिखाई देता है, वह तत्व ज्ञानी हो जाता है। नंबर 15, विदेश में विद्या ही मित्र होती है, घर में पत्नी मित्र होती है, रोगियों के लिए औषधि मित्र है, और मरते हुए व्यक्ति का मित्र धर्म कर्म अर्थात उसके सत्कर्म होते हैं। नंबर 16, समुद्र में वर्षा का होना व्यर्थ है, तृप्त व्यक्ति को भोजन कराना व्यर्थ है, धनिक को दान देना व्यर्थ है, और दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। नंबर 17, वर्षा के जल के समान दूसरा जल नहीं है, आत्मबल के समान दूसरा बल नहीं है, अपनी आंखों के समान दूसरा प्रकाश नहीं है, और अन्न के समान दूसरा प्रिय पदार्थ नहीं है। नंबर 18, निर्धन व्यक्ति धन चाहते हैं, पशु वाणी चाहते हैं, मनुष्य स्वर्ग की इच्छा करते हैं, और देवगण मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। नंबर 19, सत्य पर पृथ्वी टिकी है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से वायु बहती है, संसार के सभी पदार्थ सत्य में निहित है। नंबर 20, इस चराचर जगत में लक्ष्मी चंचल और अस्थिर है, प्राण भी अनित्य है, जीवन और यौवन भी नाशवान है, इस चलते फिरते संसार में केवल धर्म ही स्थिर है। नंबर 21, पुरुषों में नाई सबसे अधिक चालाक और होशियार होता है, पक्षियों में कौवा, पशुओं में गीदड़ और स्त्रियों में मालिन सबसे अधिक चतुर होती है। तो ये था चाणक्य नीति का 5वां अध्याय। चाणक्य नीति के 5वें अध्याय की सीख। आचार्य ने 5वें अध्याय में गुरु की महिमा का वर्णन सबसे पहले किया है और बताया है कि कौन किसका गुरु है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों और गुणों से पहचाना जाता है और प्रतिकूल परिस्थितियों में निखरता भी है। मनुष्य को जीवन में भयभीत नहीं होना चाहिए। यदि किसी भय की आशंका हो तो भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि संकट आने पर उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि एक ही माता से उत्पन्न होने वाली संतान एक ही प्रकार के स्वभाव वाली हो, सब में अलग अलग गुण होते हैं। यह वैयक्तिक भिन्नता ही तो प्रकृति का विशेष गुण है। कोई भी व्यक्ति वह वस्तु प्राप्त नहीं कर सकता जिसे प्राप्त करने की उसमें इच्छा न हो। हमें सदैव अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि बिना अभ्यास और आलस से प्राप्त विद्या नष्ट हो जाती है। मनुष्य में अनेक ऐसे दोष होते हैं जिनके कारण उसे अनेकों कष्ट उठाने पड़ते हैं, जैसे काम वासना और क्रोध। जब संसार की कोई भी वस्तु मनुष्य का साथ नहीं देती, उस समय धर्म ही अर्थात उसके सत्कर्म ही उसका साथ देते हैं। संसार में कोई भी अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं है, जो पास में नहीं है उसी की चाह प्रत्येक दिन करता है। निर्धन धन चाहता है, पशु वाणी चाहते हैं, मनुष्य स्वर्ग की और देवतागण मोक्ष की कामना करते हैं। और अंत में आचार्य चाणक्य संसार का महत्व बताते हुए कहते हैं
कि सत्य के कारण ही दुनिया के समस्त कार्य व्यापार चल रहे हैं। धन, मनुष्य के प्राण और यह संसार सभी नश्वर है। केवल धर्म कर्म ही शाश्वत है, अर्थात सत्य है। कुछ जरूरी नोट। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य द्वारा स्त्री विशेष, जाति विशेष और धर्म विशेष के लिए कहे गए कुछ सूत्र वर्तमान समय के संदर्भ में इतने सही प्रतीत नहीं होते हैं। ये कुछ लोगों को बुरे भी लग सकते हैं, क्योंकि ये नीतियां आचार्य चाणक्य के समय में हुई घटनाओं और उनके पूर्वानुभवों पर आधारित है। हमने उनके विचारों को ठीक वैसे ही प्रकाशित किया है जैसा आचार्य चाणक्य ने लिखा था। ऐसे ही मजेदार और अच्छे कंटेंट के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल द बिंज लिसनर्स को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी विषय के बारे में जानना और सुनना पसंद करते हैं, या आप भी कुछ अच्छा लिखते हैं और चाहते हैं कि हम उसे हमारे चैनल द्वारा प्रस्तुत करें, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।